श्री राम दोस्तों, जैसे कि फिर हम लोग तेराम यानी राम मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम का। देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह है। अब लोग हम लोग पथ पर हैं और उस साइड में गाड़ी का है, यानी इधर पैदल और उधर गाड़ी से लोग जा सकते हैं। फिलहाल अभी गाड़ी वर्जित है, तो अभी देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह है। तो देखिए एक दिन में ये जो रोड है कंप्लीट हो गया है एक दिन में। उधर देखिए पैदल पथ है, इस साइड में गाड़ी वाड़ी जा सकती है, बट अभी 22 तारीख तक गाड़ी को रोक दिया गया है। आज रात भर में आज ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काल प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा है। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़ोर शोर से काल इसमें एंट्री नहीं होगा, बट आज हम लोग दर्शन कर लेते हैं आखिरी, क्योंकि कल 22 तारीख को इसमें दर्शन नहीं होगा। देख लीजिए इसको रात भर में सब ये जितना स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसको सब कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी आना चाहते हैं 22 तारीख से पहले तो आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी होटल वाले हैं सब बोल रहे हैं कि 22 तारीख से पहले सबको निकल जाना है। तो आज है 20 तारीख, तो आज भर दर्शन हम लोग कर लेते हैं, शाम में हम लोग निकल जाएंगे प्रभु का प्रांगण से। तो फिर मोबाइल अंदर नहीं जाने देता, देखिए कितना लेयर लगा हुआ है, सिक्योरिटी का बहुत चरम लेवल पर है, क्योंकि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, देख सकते हैं। जय श्री यहाँ मोदी जी दर्शन करके चल दिए, तो देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि आज लास्ट दिन है आम पब्लिक के लिए। तो पूरा चहल पहल है, पूरा राम मंदिर के लिए लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए एकदम उतावले हैं, भक्ति में पूरा सरबोर हो गया है अयोध्या। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट आगे चलते हैं उतना ही भीड़ आप लोगों को दिखने को मिलेगा। ये हम लोग राम पथ पर चल रहे हैं, तो देखिए इधर कीर्तन वगैरह बहुत सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो इनकर देखिए और भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत तरह की झांकी आज इस वीडियो में मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। यहाँ तक कि हम लोग रात्रि में जाएंगे सरजू नदी के किनारा, जो बहुत भव्य बनाया गया है, सजाया गया है, तो वहाँ पर भी आप लोग दिखाएंगे। फिलहाल आप भीड़ देख सकते हैं कि श्री राम को दर्शन करने के लिए कितने ललित है लोग, अब बहुत खुश है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए उन लोग को मोबाइल हम लोग लत्तर में रखेंगे। भीड़ जाने को मिलेगा प्रभु श्री राम मंदिर में, यहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है लत्तर में, अपना मोबाइल वगैरह जो भी सामान लाए हैं वहाँ पर रख सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन का वो भटक जाएगा मम्मी के साथ। रास्ता है यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है, उधर देख सकते हैं जो काम चल रहा है, इधर अमोरा राम मंदिर है।
अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि राम मंदिर में मोबाइल निकलना देख सकते हैं कि अभी हम देख सकते हैं सजाया गया है पूरा लाइट जो है बहुत रंग बिरंगी है। आप बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देख सकते हैं कि ये फर्जी मंदिर का पानी जो कलर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत गजब का नज़ारा है यहाँ पर। क्योंकि रात्रि का समय है, बज रहा है 7:30, हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं। आप बहुत यहाँ पर मंदिर सजा हुआ है, बहुत राम के नाम से यहाँ पर सरोवर है पूरा धरती। आप पूरा यहाँ के देख सकते हैं इतने लोग अभी भी जमा है, इतनी ठंडी में के बावजूद भी राम के नगरी में लोग घूम रहे हैं, चहल पहल है चारों तरफ। बहुत तरह के रंग बिरंगी लाइट लगा हुआ है सरजू नदी के किनारे। आप बहुत म्यूजिक भी बहुत काफ़ी सुंदर बज रहा है, राम राम श्री राम राम। आपको देख कर ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल आ गए हैं, ऐसे भक्ति में लीन हो गए हैं कि आपको कुछ जाने की ऐसी कुछ नहीं करेगा अगर आप आए हैं। जबरदस्त अच्छा लग रहा है, बहुत इधर देख सकते हैं कि नाच गान भी चल रहा है। तो चलिए आप लोग को नाच गान का भी थोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि सरयू किनारे बहुत तरह की देख सकते हैं।